देखिए, एक छोटी सी चीज देख रहे हैं आप, ये आपका बेबी है। डॉक्टर, ये सब कैसे हुआ? फाइनली कबीर के कॉल रिकॉर्ड ने काम आसान कर दिया। डॉक्टर तो मिल गया, इसकी पूरी हिस्ट्री भी मिल गई, फिर हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। हेलो, देखिए ऐसा है, मेरा आदमी आपके बच्चे के पास खड़ा है मेरे सामने, और मेरे इशारा करते ही वो तुम्हारे बच्चे को उठा लेगा। क्या चाहिए तुम्हें? एक पॉजिटिव अल्ट्रासाउंड, नैना के बच्चे की हार्ट बीट। अगर वो सुनाई नहीं दी तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे की हार्ट बीट सुनाई नहीं देगी। एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज जनरल वार्ड के पेशेंट्स को देखिए, मैं मैनेज कर लूंगा। आंचल, आंचल, आंचल रुको, आंचल प्लीज। व्हाट कबीर, व्हाट नाउ? हां, टेस्ट हो गया, प्रूव हो गया ना, सच सामने आ गया। वो डॉक्टर सानी झूठ नहीं बोल सकते, नैना सच बोल रही है, प्रेग्नेंट है वो। नैना प्रेग्नेंट है लेकिन वो बच्चा मेरा नहीं है। प्लीज स्टॉप इट, तुमने कहा था ना कि तुम नैना से शादी करोगे इस टेस्ट के बाद। एक बार डीएनए टेस्ट कर लेते फिर सब। कबीर स्टॉप इट, तुम्हें भी पता है कि न्यूली कंसीव बेबी का डीएनए टेस्ट नहीं होता है। अच्छा ठीक है, डीएनए टेस्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? जब प्रूव हो जाएगा कि ये तुम्हारा ही बच्चा है फिर क्या? कौन से टेस्ट के पीछे भागोगे तुम? हाँ ठीक है, मैं नैना से शादी करूंगा, तुम यही चाहती हो ना? लेकिन जिस दिन डीएनए टेस्ट पॉसिबल होगा ना, उस दिन मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा और तब सच सामने आ जाएगा, और फिर मैं तुमसे शादी करूंगा, और उस दिन देखता हूं कि हमारे बीच कौन आता है। हमारे बीच तुम्हारा पास तो ऑलरेडी आ चुका है कबीर। सोचा था दोस्ती में तुम्हारा दर्द भी बांट लूंगा, कबीर के होने वाले बच्चे को अपना नाम देते था तो ये सब नहीं होता। दोस्ती की नहीं है रणवीर, आज कबीर की जिम्मेदारी की है। बचपन से आज तक तुमने कबीर के हर बिगड़े हुए काम को ठीक किया है ना, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर आज कबीर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई होती ना, तो हमेशा के लिए मेरी आंखों से झुक जाता। क्या फायदा इतने बड़े उसूलों का जो तुम्हारे प्यार के बीच में आ जाए? क्या फायदा ऐसे प्यार का जो सही या गलत का फैसला ही नहीं कर पाए? मैं कबीर को कब भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगा कबीर कोई नाटक कर रहा है, वो तो शादी के लिए वाकई मान गया। ऐसा लगता है आंचल के प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है। आई होप कि शादी के बाद वो अपना पुराना प्यार भूल जाए, वरना आंचल तुम्हारे और कबीर को। कबीर को आंचल का प्यार भूलना ही होगा, क्योंकि आंचल सिर्फ मेरी। कबीर ने शादी के लिए तो हाँ कह दी, लेकिन आंचल के लिए नहीं। लगता है कबीर सचमुच बड़ा हो गया, अब गेम में मजा आएगा। एक मिनट, एक मिनट। हेलो आंचल। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, हाँ मैं अभी आया। इस बार आंचल ने तुम्हें सचमुच बचा लिया। पागल हो गया ये आदमी। पागलपन की हद तो ये पहले ही पार कर चुका है। आंचल को अंदाजा भी नहीं है कि वो शादी करके कहाँ फंस गई है।
तुम कहीं नहीं जा सकती, आज नहीं कभी नहीं। कबीर, ये एक पति बोल रहा है, तुम्हारा पति आंचल। मैं जानता हूं कि इस वक्त एक पति की नहीं बल्कि एक दोस्त की जरूरत है तुम्हें, और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। तो फिर मैं क्या करूं रणवीर, बैठकर कबीर और नैना की शादी देखूं? क्या करूं मैं, नहीं देख सकती नैना और कबीर को शादी करते हुए। मैं समझ सकता हूं आंचल, अपना प्यार किसी और के पास चला जाए इतना बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी दूसरों के लिए जिया है, खुद के लिए जिया ही नहीं। जब भी तुम साथ होती हो तो वो बहुत खुश होता है, वो तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। बेटा मैं जानता हूँ मेरा कोई हक नहीं है तुमसे कुछ मांगने का, पर प्लीज अगर हो सके तो कुछ दिन और रुक जाओ। बड़े तुझे पता है हमारे हाथ में 11 उंगलियां होती है। प्रूव करूं? ये कितनी है? कितनी है? 10। ये 9। ये 8। ये 7। ये 6 प्लस 5। How many? 11. Did you know that? We had 11 fingers in our hands. कौन सी गोली खिला रही है? देख बड़े, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेरी जो सुई डिप्रेशन की तरफ है ना, वो सीधी एंटरटेनमेंट की तरफ आ जाए। मैं तुम्हें इस घर में ला तो नहीं पाया, लेकिन यहां से लेकर जरूर जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रही। रणवीर, दोस्ती का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि सिर्फ तुम ही दोस्ती निभाओगे। मुझे भी मौका मिलना चाहिए ना अपनी दोस्ती निभाने का। ये खाली बैग मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ऐसे अपने घर में गेस्ट बनकर कोई रहता है क्या? चलो अपने रूम में चलो। कबीर और मेरी खुशी, तुमने अपना जीने का मकसद बना ली थी, अब वो मकसद नहीं रहा तो क्या हो? जीने की कोई और वजह तो ढूंढी जा सकती है। प्यार ना से, दोस्ती से, जो हुआ सो हुआ कबीर, उसे भूल जाते, नया रिश्ता तो बनाया जा सकता है, दोस्ती का रिश्ता। बहुत कर ली मैंने दोस्ती, अब मेरी जिंदगी में और कोई दोस्त की जगह नहीं। कबीर, जाने दो उसे आज, ये उसका गुस्सा नहीं उसका बचपन है। पता नहीं कबीर मुझे माफ कर पाएगा कि नहीं। करेगा, मेरी खुशी के लिए सब कुछ करेगा, और तुम दोनों का ये रिश्ता मेरी खुशी। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी और अपनी किस्मत बदल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मैं हुआ चल और मेरी किस्मत में तुम। अब मेरा प्यार तुम्हें जीत लेगा आंचल, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।